राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ संचालक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक प्रयागराज मुख्यालय में हुई, जिसमें 2024 के अंत तक हिंदुस्तान के सभी मंडलों में शाखा पहुंचाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि कुछ प्रांतों में यह कार्य चुनिंदा मंदिरों में 99% तक पूरा कर लिया गया है। चित्तौड़, ब्रज व केरल प्रांत में मंडल स्तर पर चल रही है। पहले देश में 54,382 संघ की शाखाएं थी, लेकिन वर्तमान में 61,045 शाखाएं चल रही हैं। साप्ताहिक मिलन में भी 4,000 और मासिक संघ मंजिली में विगत एक वर्ष में 1,800 की बढ़ोतरी हुई है। गोरक्ष प्रांत में भी शाखा में वृद्धि हुई है। गोरक्ष प्रांत में संगठनात्मक दृष्टि से 21 जिले हैं, जिसमें 1,520 मंडल, 147 खंड व 77 नगर हैं। उनमें से 901 मंडल, 147 खंड व 77 नगर शाखायुक्त हैं। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या विस्फोट चिंताजनक है और विचार करके सब पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति बननी चाहिए। मतांतरण होने से हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। देश के कई हिस्सों में मतांतरण की साजिश चल रही है। कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ भी हो रही है। जनसंख्या असंतुलन के कारण कई देशों में विभाजन की नौबत आई है। भारत का विभाजन भी जनसंख्या असंतुलन के कारण हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसमें देश भर के 3,000 युवक शताब्दी विस्तारक के रूप में निकलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार की जनसंख्या 3.4% से कम होकर 1.9% हो गई है। इसके चलते भारत में एक ऐसा समय आएगा जब युवाओं की जनसंख्या कम हो जाएगी और वृद्ध लोगों की आबादी अधिक होगी। यह चिंताजनक है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ संचालक पृथ्वीराज सिंह ने कहा, उनको इस विषय पर विस्तार से वार्ता की गई और फिर आपके साथ बैठ कर उनको मंशा बताई गई। जी, उनको बताया गया कि ये निर्णय हुए हैं, इसको कैसे क्रियान्वित करना। टीम भी बनाई गई है अभी पर्टिकुलर कुछ काम के लिए? कुछ लोग हम लोगों की तो टीम रहती है, जैसे टोली बैठी है, हम लोगों की एक टोली रहती है। 2025 तक हमारा 100 वर्ष पूर्ण होता है, तो हम हर गाँव में हमारा कार्य पहुँच जाए किसी न किसी रूप में के रूप में पहुंचे, चाहे मिलन के रूप में, चाहे मंडली के रूप में, किसी न किसी रूप में, संपर्क के रूप में। हमारा संपर्क प्रत्येक गांव में होना चाहिए। सरकार भी कभी कभी दबाव में काम करती है, जब जनता चाहेगी तो सरकार को इस काम को करना पड़ेगा ना। उसी समाज विसरण के लिए समाज में इस विषय को हम लोग अपने माध्यम से बता रहे हैं और सरकार को भी सपोर्ट चाहिए ना, केवल आलोचना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से और यहाँ पर उपस्थित हमारे माननीय सह प्रांत संचालक जी डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, यहाँ पर उपस्थित संपर्क प्रमुख डॉक्टर संजीत कुमार एस गुप्त जी और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दीपावली की और छठ की बधाई दे रहा हूँ। हम लोगों की दो निर्णायक इकाइयाँ बैठकें होती हैं, एक तो कार्यकारी मंडल है और एक प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा बड़ी इकाई है, वह मार्च में बैठती है। कार्यकारी मंडल हमेशा दीपावली के आसपास बैठती है। उस बैठक में कुछ प्रस्ताव तैयार होते हैं, कुछ निर्णय लिए जाते हैं और उस पर विस्तृत तौर पर चर्चा होती है, गुणवत्ता की भी चर्चा होती है कि कैसे किया जाए। तो संघ की जो कार्यकारिणी सभा थी उसमें कुछ 2024 से हम लोगों का शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने वाला है, तो शताब्दी वर्ष के संदर्भ में कुछ योजनाएं थी जिनका प्रारूप प्रस्तुत किया गया। दो दिन तक तो उस पर बहस होती रही। वो प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति पाने के बाद ही हम सभी लोगों के समक्ष आ पाएगी। कुछ और भी विषय थे जिसमें हम लोगों का गुणात्मक कैसे शाखाओं की वृद्धि हो, कैसे कार्य हो, उसके अलावा कुछ और विषय पर, गतिविधियों के विषय पर चर्चा की गई और जनसंख्या नियंत्रण पर, जिस पर परम पूजनीय सर संचालक जी ने दो अक्टूबर विजयादशमी के दिन जिस पर विस्तृत रूप से अपनी बात रखी थी, उस पर प्रतिनिधियों के सामने बात रखी गई और जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में यह बताया गया कि यह एक पक्षीय नहीं, बहुपक्षीय दृष्टिकोण पर हमें इस पर विचार करना चाहिए। एक तो पक्ष है जिसमें समस्या ये आती है कि वृद्धजनों की संख्या अगर बढ़ेगी, युवकों की संख्या कम होगी, तो भी हमारे सामने एक समस्या है। दूसरी समस्या ये आई कि संसाधनों की कमी हो रही है बड़ी तेज़ी से और संसाधनों की कमी के नाते जनसंख्या जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रही है,
वो हम चीन की आबादी का टक्कर ले रहे हैं और उससे आगे जाने वाले हैं, उस पर भी एक विस्तृत तौर पर विचार होनी चाहिए। दूसरा विषय इसके साथ यह था कि नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है असम और बंगाल जैसे प्रांतों में, हिंदुओं की जो प्रोपोर्शन है आबादी का वो घटता जा रहा है। 61% असम में मुस्लिम पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, नए बच्चे जो हो रहे हैं, और 31% हिंदुओं के बच्चे हो रहे हैं। ये स्थिति केरल में भी है, तो ये नेगेटिव ग्रोथ भी एक समस्या है। उत्तरांचल और हरियाणा जहाँ पर मुसलमानों की संख्या कम है वहाँ पर भी उनकी संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या वहाँ पर लगता है कि कम हो जाएगी। तो एक तो एक समस्या, एक समस्या डेमोग्राफिक चेंज के कारण भी परिवर्तन आता है। हमने देखा कि एक सीरिया है जहाँ पर ईसाइयों और मुसलमानों में निरंतर विवाद होता रहता है, फिर एक सर्बिया से अलग होकर के कोसोवा बना जहाँ मुसलमानों के नाते उसको अलग देश बनाना पड़ा, उगांडा में भी दो देश बने, एक उत्तरी उगांडा एक दक्षिणी उगांडा, इंडोनेशिया जो एशिया में पड़ता है उसके एक हिस्से को काट करके उसको भी एक अलग ईसाई प्रदेश एशिया में बनाया गया है। तो ये एक समस्या उभर रही है, भारत को भी इस संदर्भ में विचार करना चाहिए क्योंकि वह भुक्तभोगी है। 1947 में भारत दो देशों में बना, पाकिस्तान जो जनसंख्या के आधार पर बना, तो ये भी एक समस्या है। तो इन सारी समस्याओं पर हमें विस्तृत विचार करना चाहिए, स्त्री पुरुष की संख्या में विचार करना चाहिए। एक तो जो फर्टिलिटी रेट है वो बड़ी तेज़ी से गिर रही है, हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 1.9 पर आ गई है, मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट 3% पर है। तो ये निरंतर बता रहा है कि हम लोगों की जनसंख्या थोड़ी कम होती जाएगी, इसलिए जनता को जागरूक करके आप लोगों के माध्यम से इस बात को बताया जा रहा है कि कैसे जनसंख्या पर संतुलन और नियंत्रण रखा जाए, ये विषय आता है। समापन में अभिभाषण में परम पूजनीय सर संचालक जी ने यह बताया कि हम लोग शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं और उसके संदर्भ में बड़ी संख्या में जो विस्तारक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको निकालना पड़ेगा, उनको समय देना पड़ेगा और संघ के कार्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। शताब्दी वर्ष हम लोगों के लिए मूल्यांकन का, अपनी कार्य की वृद्धि का एक सुअवसर प्रदान कर रहा है। इन्हीं सभी बातों पर वहाँ पर जो विचार हुआ, हम लोग प्रतिनिधि सभा कार्यकारी मंडल के बाद ये लगातार सदैव करते हैं कि पत्रकारों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के बाद पत्रकारों के माध्यम से जनता को जागृत करने का, उन विषयों को विषय में बताने का एक प्रस्ताव रखते हैं। आप यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, आप यहाँ उपस्थित हैं, हम उसकी अपनी तरफ से आपको बधाई प्रदान करते हैं।